ऐसे बैंक्स बहुत कम हैं जो आपको जीरो बैलेंस करंट अकाउंट की फैसिलिटी देते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही बैंक के बारे में बताने वाला हूं जिसमें आप घर बैठे ऑनलाइन जीरो बैलेंस करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही आपको चेकबुक और डेबिट कार्ड भी फ्री में मिलेगा। डेबिट कार्ड के लिए आपको कोई एनुअल फीस नहीं देनी होगी। अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो अपने नेम से इंडिविजुअल करंट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड देना होगा, जीएसटी नंबर की जरूरत नहीं है। और अगर आपको बिजनेस नेम से करंट अकाउंट ओपन करना है तो आपको बिजनेस के भी दो प्रूफ्स देने होंगे, जैसे कि आप जीएसटी नंबर और उद्यम सर्टिफिकेट दे सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से एयू बैंक में करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एयू बैंक में करंट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको इस पेज पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको अपने नेम से अकाउंट ओपन करना है तो आप इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपको बिजनेस नेम से अकाउंट ओपन करना है तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसमें आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, एक मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर और अपना पिन कोड एंटर करेंगे। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद प्रोसीड। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन देना होगा, जैसे कि आप इंडिया के अलावा किसी और कंट्री में टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, इसको आप नो कर देंगे। आप या आपका कोई फैमिली मेंबर किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है, इसको आप नो कर देंगे। किसी और बैंक से आपने क्रेडिट फैसिलिटी नहीं ली हुई है, इसको आप नो कर देंगे। इसके बाद इनिशिएट आधार ईकेवाईसी पर क्लिक करेंगे। आपके नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी यहां एंटर करेंगे। इसके बाद आपको अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है, कौन सा करंट अकाउंट आप ओपन करना चाहते हैं। इसमें आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, यहीं पर आप इनके बेनिफिट्स भी देख सकते हैं। जैसे कि मुझे ये वाला करंट अकाउंट ओपन करना है, ये जीरो बैलेंस अकाउंट है, आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको फ्री वीजा बिजनेस डेबिट कार्ड मिल जाएगा, तो इसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इस अकाउंट के साथ आपको जो जो चीजें चाहिए वो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, जैसे कि हमें चेकबुक चाहिए, ये भी हमें फ्री में मिल जाएगी, डेबिट कार्ड भी फ्री मिलेगा। अगर आपको इस तरह से क्यूआर कोड स्टैंड भी चाहिए तो इसको भी आप यहाँ पर टिक कर देंगे, ये भी आपको फ्री में मिल जाएगा। इसके बाद प्रोसीड करेंगे। एड्रेस ही आपके आधार कार्ड से लेगा, बाकी डिटेल्स आप यहां पर फिल करेंगे, जैसे कि अपनी ईमेल आईडी, फादर नेम, मदर नेम, अपना मैरिटल स्टेटस। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो इसको आप इनेबल करेंगे और यहां पर डिटेल्स फिल करेंगे जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं। इसके बाद डिक्लेरेशन देंगे और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपनी इनकम डिटेल्स फिल करनी होगी, तो यहां पर आप चूज कर लेंगे आपका प्रोफेशन क्या है, तो यहां पर आप कैटेगरी चूज कर लेंगे। इसके बाद अपनी एनुअल इनकम सिलेक्ट करेंगे, तो आपकी जो भी एनुअल इनकम है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद सेव एंड प्रोसीड। इसके बाद आपको अपना मेलिंग एड्रेस सेट कर लेना है, यानी जिस एड्रेस पर बैंक आपको चेकबुक और डेबिट कार्ड सेंड करेगा, तो आप यहां पर सेट कर लेंगे। इसके बाद सेव एंड प्रोसीड। किस ब्रांच में आप ये अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो ब्रांच आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद प्रोसीड। आपके सामने कंप्लीट एप्लीकेशन आ जाएगी, इसको आप एक बार चेक करेंगे। इसके बाद आप यहां पर कंफर्म करेंगे और सेव एंड प्रोसीड। इसके बाद आपको अपने किसी दूसरे बैंक अकाउंट से इसमें कम से कम 5,000 रुपए ऐड करने होंगे, तो यहां पर आप डाल देंगे 5,000 रुपीज। जिस बैंक अकाउंट से आप ऐड करना चाहते हैं उसका अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड यहां पर एंटर करेंगे। अकाउंट आपका जीरो बैलेंस ही रहेगा, आपको सिर्फ 5,000 रुपीज यहां पर स्टार्टिंग में ऐड करने हैं, बाद में आप इनको विड्रॉ कर सकते हैं। ये 5,000 रुपीज आपको अपने ही किसी दूसरे बैंक अकाउंट से, चाहे वो सेविंग्स हो या करंट हो, उससे ऐड करने होंगे। तो यहां पर आप अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड डालकर पे नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने पेमेंट पेज आ जाएगा, आप यूपीआई या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ये 5,000 रुपीज ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं इंटरनेट बैंकिंग से ऐड कर देता हूं, फंड ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपको वीडियो केवाईसी कंप्लीट करनी होगी, तो आप इनिशिएट वी केवाईसी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद वीडियो केवाईसी स्टार्ट हो जाएगी और बैंक की तरफ से एक एजेंट आपसे कनेक्ट करेगा। एजेंट आपसे आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, आपके पैन कार्ड का एक फोटो क्लिक करेगा, एक व्हाइट पेपर पर आपको सिग्नेचर करना होगा, उस सिग्नेचर का एक फोटो एजेंट क्लिक करेगा और आपकी वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा और उसको आप यूज कर सकते हैं। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है, इसमें लॉगिन करके आप अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। डेबिट कार्ड और चेकबुक बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा, उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। सो इस तरह से आप घर बैठे एयू बैंक में करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।